नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे हो? आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका रूपम। बच्चों, हमने अगले कालांश में गोरैया का घर और हमारा पार्ट नंबर 3 पढ़ा था। आज हम उसके पहले कुछ चर्चा करेंगे। कैसे गोरैया अपने घर को बनाने के लिए अलग अलग जगह पर जाती है, अलग अलग घर को देखती है और निष्कर्ष निकालती है कि उसका ही घर सबसे अच्छा है। तो आइए हम अपनी कहानी का छोटा सा सारांश एनिमेशन के द्वारा देखते हैं। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। गौरैया का घर। एक दिन नन्ही गौरैया माँ से अपना घर बनाने के लिए हट करने लगी। माँ, मुझे अपना घोंसला बनाना है। नन्ही, घास के तिनके, रुई, पंख इकट्ठा करो। माँ, मुझे सबसे न्यारा घर बनाना है, इसलिए मैं पहले दूसरों का घर देख आती हूँ। सबसे पहले वह कबूतर के पास गई। कबूतर भाई, तुम अपना घर कैसे बनाते हो? मैं तो किसी भी खिड़की या रोशनदान के आगे तिनके बिछा देता हूँ, बस हो गया घर तैयार। फिर नन्ही एक पेड़ पर कठफोड़े का घर देखने लगी। अरे नन्ही, मैं तो किसी भी दीवार या पेड़ के छेद में आराम से रहता हूँ। फिर वह थोड़ी दूर पर बया मौसी के घर गई। मौसी, आप घर कैसे बनाती हैं? अरे मेरा घर, बस इन पत्तों को थैले की तरह सिलते जाओ, हो गया घर तैयार। उफ, यह बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा करो, कौवे या चील का घर देख लो। पर चील का घर तो बहुत ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई से बच्चे गिर गए तो क्या होगा? फिर वह कौवे के घर गई। अरे ये सब क्या है, हर तरफ आड़ी तिरछी तीलियां बिखरी पड़ी है। खुरदरा, इतना कठोर। पर मुझे तो यहाँ बहुत आराम मिलता है। अब शाम हो गई है, माँ राह देखती होगी, मैं घर चलती हूँ। कौवे भाई, क्या कोई घर पसंद आया नन्ही? माँ, हमारा घोंसला ही सबसे अच्छा है, अब मैं ऐसा ही घर बनाऊंगी, यही है मेरा न्यारा घर। कार्य पत्रक संख्या 3.1, प्राथमिक पाठ कौशल। प्रश्न पहला, किसने कहा सोच कर लिखो? प्रश्न पहला, घास के तिनके, रुई, पंख इकट्ठे करो, ये किसने कहा? गोरैया ने। प्रश्न दूसरा, मैं तो किसी भी खिड़की या रोशनदान के आगे तिनके बिछा देता हूँ, कौन है ये? कबूतर, किसने कहा था? कबूतर ने। प्रश्न तीसरा, यह कैसा कुएं जैसा घर हुआ, ये किसने कहा? नन्ही गोरैया ने। प्रश्न घ, कौवे या चील का घर देख लो, ये किसने कहा? बया ने। मुझे तो यहाँ बहुत आराम मिला, ये कौन है? कौवा। तो आओ जानते हैं इसके उत्तर। प्रश्न पहले का उत्तर है गोरैया ने कहा, प्रश्न दूसरे का उत्तर है कबूतर ने कहा, प्रश्न तीसरे का नन्ही गोरैया ने कहा, प्रश्न घ बया ने कहा और लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर है कोई ने कहा। इनको आपको अपनी वर्कबुक के अंदर लिखना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, कंठफोड़वा कहाँ रहता है, उसके घर में क्या कमी है? और प्रश्न दूसरा, कौवे का घर खुरदरा और कठोर क्यों है? आओ जानते हैं इसके उत्तर और इन्हीं उत्तरों को आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंठफोड़वा कहाँ रहता है, उसके घर में क्या कमी है? उत्तर, कंठफोड़वा किसी भी पेड़ या दीवार के छेद में रहता है।
उसका घर कुएं जैसा और जिसमें बिल्कुल रोशनी नहीं आती। ये प्रश्न पहला है। प्रश्न दूसरा, कौए का घर खुरदरा और कठोर क्यों है? उत्तर, कौआ अपना घर आड़ी तिरछी तिल्लियाँ बिखेर कर बनाता है। बच्चों, ये दोनों प्रश्नों को आपको अपनी वर्कबुक में लिखने हैं। प्रश्न मेरी समझ, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। माँ गोरैया ने नन्ही गोरैया को नया घर बनाने से रोका। प्रश्न ख, बया ने गोरैया को कौए और चील का घर देखने की सलाह दी। प्रश्न तीसरा, कबूतर अपना घर बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं। प्रश्न चौथा, नन्ही गोरैया काफी रात होने पर अपने घर वापस आई। प्रश्न पांचवा, नन्ही गोरैया सबसे पहले चील के घर गई। ये प्रश्न आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ये सभी प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। यानी आपकी कोर्स बुक में ही दिए गए हैं, उनमें ही सही गलत का निशान लगाना है। तो बच्चों, हमने कहानी का सार देखा, उसके बारे में जाना और हमने कुछ प्रश्नों को हल किया, जैसे सही और गलत और किसने किससे कहा और प्रश्नों के उत्तर। इन सारे प्रश्नों को आपको अपनी वर्कबुक में और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। जो वर्कबुक आपके पास है उनमें ये सारे प्रश्न करने हैं। कल हम और प्रश्नों को हल करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।